हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोई पत्ते की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप हर बार बनाना पसंद करेंगे। और इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यह देखिए, हमने यहाँ पर पोई पत्ता लिया है और यह थोड़े से जो डंडियाँ वाली हैं उसे हम छोड़ देंगे। इससे आप दूसरी रेसिपी बना सकते हैं, पर हम यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने इतने सारे पत्ते तोड़ लिए हैं और भी पत्तों को हम इसी तरह से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। तो थोड़े से पत्ते हम इसमें और तोड़ कर रख लेंगे। और इसे हम पोई साग बोलते हैं। आप इसे साग बनाएं या फिर पकौड़ियाँ बनाएं या सब्जी इसकी बना सकते हैं। तो इसे आप हर तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वह आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने पोई के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है और यह हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसे आप ज़रूर बनाकर इस तरह से खाएं। तो अब हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और यहाँ पर हमने मिक्सी में पीसकर चावल का पाउडर बनाया है। तो ये थोड़ा सा हल्का मोटा ही है, आप यहाँ पर चावल के पाउडर का इस्तेमाल करें जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो मिक्सी में थोड़ा सा यह बारीक अच्छे से नहीं हो पाया है, तो आप इसकी जगह चावल का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 चम्मच चावल का पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो इसे हम इस बर्तन में डाल देंगे। और यहाँ पर हमने जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट लिया है 1/2 छोटी चम्मच। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो बस हमें इतने ही मसालों को इसमें यूज करना है और सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच बेसन भी डाल देंगे। बेसन यहाँ पर थोड़ा सा स्किप हो चुका है, तो प्लीज़ आप इसमें बेसन भी ज़रूर मिला दें। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे और इसका हम एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे इस तरह से। तो इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं इस तरह से। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देते हैं। तो यह देखिए, घोल हमारा बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर देखिए, हम इस रेसिपी को कैसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमने पत्तों को धोकर साफ़ कर लिया था, इसे हम 2 से 3 पत्तों को इस तरह से रख लेंगे। यह देखिए, इस तरह से थोड़ा सा इसे फोल्ड कर देंगे और इसे हम इस बैटर में इस तरह से डुबोएंगे। और इसे हम फिर कढ़ाही में तेल डालकर फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, हम गैस पर इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। तब तक हम पत्तों को 2-4 पत्तों को इसमें डालकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गैस पर हमने कढ़ाही को चढ़ा दिया है। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, क्योंकि जो चावल का आटा है वह थोड़ा सा मोटा है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी 2 चम्मच इसमें डाल दिया है। तो कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल देंगे 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच से। और जो पत्तों को हमने डुबो कर रखा था, उन्हीं पत्तों को हम इस तरह से बैटर में लगाकर तेल गर्म होने पर हम इसे कढ़ाई में इस तरह से डालते हुए फ्राई कर लेंगे। तो इस समय थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि तेल इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर एक साइड बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम दूसरे साइड अच्छे से पलट देंगे और इसे हम फिर दोबारा अच्छे से पलट देते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, पोई पत्ते की पकौड़ियाँ जो हैं वह हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी होकर तैयार हो चुके हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दोबारा इसी तरह से फिर से हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे आप दाल चावल के साथ खाएं या फिर आप इसे ऐसे ही सुबह नाश्ते में आप इसे खा सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर एक बार बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए, दोबारा भी हमारा जो पकौड़ियाँ वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसे हम प्लेट में रख लेंगे। तो यह देखिए, देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।